नमस्कार, मैं उत्तर भारतीय संघ में शादी में गया था। शादी से निकल के मैं मेरे घर पे आ रहा था। रास्ते में कलानगर के जंक्शन के ऊपर जब सिग्नल हुआ, गाड़ी रुकी और तभी गाड़ी मेरी जब रुकी तभी एक 200-500 लोगों के मॉब ने मेरे गाड़ी पे हमला किया। मेरी गाड़ी के शीशे और उसके हैंडल्स सब पूरे तोड़ दिए, डैमेज कर दिए। मुझे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या है। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, इतना मॉब को मेरी गाड़ी पे हमला देखकर एक सेकंड के लिए तो मैं अपने आप को समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या है। तब तक मुंबई पुलिस के कुछ जवान आए, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने ड्राइवर का धन्यवाद देता हूँ, अपने साथ लोग जो मेरे साथ उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरी समझदारी दिखाई और वहाँ से तुरंत गाड़ी को 5 मिनट का जो ये हल्ला गुल्ला हुआ उसमें निकाल के ले गए। लेकिन क्या मुंबई में विरोधी पक्ष के नेता जो सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते हैं, इस तरह का हमला अगर उनके ऊपर हुआ ये बहुत ही निंदनीय है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुंबई पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जो मुंबई पुलिस के लोग वहाँ पे थे जिन्होंने इसको रोका, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस समय अकलमंदी दिखाते हुए मॉब को पूरा बचा के मुझे उससे बाहर निकाला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ महाराष्ट्र में ये ठाकरे सरकार अगर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर हमारी आवाज़ दबाने का सोचती है तो हम डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं और जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई आगे और फोर्स के साथ